द ट्विंस मतलब जुड़वा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जी नहीं, मैं इस बकवास मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बक एंड बॉब की, जो इतने अतरंगी हैं कि जेल को ही अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। बॉब है सीधा साधा गोलू मोलू और बक है एक नंबर का शाणा जिसकी ब्लू आईज करती है हिप्नोटाइज। लेकिन इनका ग्रैनी से क्या रिलेशन है? आखिर ये लोग इतने बड़े कमीने क्रिमिनल बन कैसे गए? और द ट्विंस की लाइफ के वो राज, वो बैक स्टोरी जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगी। तो अगर आप द ग्रैनी यूनिवर्स के फैन हो और द ट्विंस की स्टोरी पूरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की आपकी डिमांड पे बना हुआ फाड़ू वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, बक और बॉब नाम के दो जुड़वा बच्चे थे जो अनाथ थे। लेकिन 16 साल की उम्र तक आते आते ये चुराने लग गए चीजें और बन गए क्रिमिनल। और उसके बाद एक दिन उनकी मुलाकात हुई दादी माँ से, मतलब द ग्रैनी से। और ग्रैनी तो खुद ही एक नंबर की क्रिमिनल थी, तो उसने इन दोनों का अपने घर में स्वागत कर लिया। ग्रैनी ने कहा कि भैया मेरे घर में रहो, खाओ पियो और क्राइम करो। अब द ग्रैनी के घर में उस समय पर टोटल 4 लोग रहते थे, ग्रैनी, ग्रैंडपा और ये ट्विंस। लेकिन इन लोगों ने भैया घर मिलने के बाद भी, परिवार मिलने के बाद भी क्राइम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ग्रैनी ने इनको कभी रोका ही नहीं। ग्रैनी तो खुद अपने घर में आने वाले इंसानों को डंडे से मार मार के उनका भुर्ता बना देती थी। तो भैया एक दिन ऐसा आया जब बॉब और बक ने मारा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ। उन्होंने एक ट्रक को लूटा जिसमें था एक सोने का सिक्का, एक हीरा और मोनालिसा की बड़ी कीमती पेंटिंग। लेकिन इस चोरी के बाद पुलिस लाइफबॉय से अपने हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई। लेकिन बक और बॉब थे बहुत शाणे, उन्होंने अपना चोरी का पूरा सामान एक पहाड़ी पर छुपा दिया। और उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूला ही नहीं। लेकिन पुलिस जानती थी कि चोरी इन्हीं दोनों ने की है, इसलिए उनकी जेल में पकड़ के खूब पिटाई की। लेकिन उसके बाद भी बक और बॉब ने अपना मुंह नहीं खोला, मुंह तो खोला खाना खाने के लिए, लेकिन कभी सच नहीं बोला। तो पुलिस ने उन दोनों को अलग अलग बंद कर दिया, बक को कर दिया जेल की कोठरी में बंद और बॉब को जेल के पीछे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बॉब उस छोटे से कमरे में मरने ही वाला था कि बक के दिमाग में एक आईडिया आया और उसने जेल की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ डाला। बेसिकली बक जिस कोठरी के अंदर बंद था उसकी दीवार के बाहर एक लीवर था जिन्हें नीचे करने पर पूरी जेल अनलॉक हो सकती थी। और उसने क्या किया, दीवार के अंदर से छेद करके पूरी के पूरी जेल को अनलॉक कर दिया, उस लीवर को नीचे डाउन कर दिया। सारे कैदी बाहर आ गए, पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई। और उसी जेल के बेसमेंट में रहता था एक बहुत बड़ा आदमखोर बीटल, जिसके बारे में जैसे ही बक को पता चला, बक ने सारे कैदियों के साथ मिलकर सारे पुलिस वालों को उस बीटल के पास छोड़ दिया। और उस बीटल ने पुलिस वालों को खाने के बाद बक और बॉब का धन्यवाद किया। कि बीटल बन गया बक और बॉब का पालतू। सारे कैदी जेल से भाग गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन बक और बॉब ने लिया एक डिफरेंट डिसीजन, उन्होंने उस जेल को ही अपना घर बना लिया, पूरी जेल पर कब्जा कर लिया। अब उस जेल के अंदर केवल बक, बॉब और उनका पालतू बीटल रहता था। उसके बाद ये दोनों गए जेल से बाहर, अपनी छिपाई गई चीजें, मतलब वो सोने का सिक्का, वो डायमंड और वो पेंटिंग, वो लोग जेल में ले आए। लेकिन ये पूरी घटना जब तक चल रही थी तब तक दादी को नहीं पता था, मतलब ग्रैनी को नहीं पता था कि बॉब और बक ने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बक ने और बॉब ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो ग्रैनी गई उनसे मिलने के लिए जेल में और देखा भैया जेल पर तो पूरे बॉब और बक का कब्जा है। उसके बाद हुआ मिलन समारोह, सब मिले, बहुत खुश हुए। ग्रैनी को बॉब बहुत पसंद था और ग्रैंडपा को बक। तो बॉब ने ग्रैनी की एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, उसमें एकदम दिल विल बना दी, एकदम मतलब इमोशनल हो गया बॉब, और उसे अपने जेल के कमरे में चिपका लिया। इसका मतलब ग्रैनी, ग्रैंडपा और ये जो ट्विंस है इनका कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं, इसलिए इनकी आपस में इतनी ज्यादा पटती है। उसके बाद ग्रैनी ने खुश होकर इन दोनों ट्विंस को एक प्लाज्मा गन दी। और यही थी पूरी कहानी। अब बॉब और बक दोनों मिलकर जेल में रहते हैं, पूरे जेल पर उनका कब्जा है, उनके पास एक बड़ा सा बीटल, एक प्लाज्मा गन। और अब आप उस जेल में जाकर इन दोनों को मार कर या बेहोश करके वो सोने का सिक्का, वो डायमंड और वो पेंटिंग जेल से बाहर लानी है। अब आप बोलोगे गौरव भाई हम पागल थोड़ी है जो हम जेल में जाएंगे। तो भैया इसके पीछे भी एक कहानी है। गवर्नमेंट को मालूम है कि जो भी पुलिस वाला उस जेल में जाएगा वो ट्विंस के द्वारा मारा जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें मौत की सजा होने वाली होती है, उन्हें मारने की बजाय मरने के लिए भेज देते हैं द ट्विंस के पास। और साथ ही उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि अगर तुम जिंदा लौट आए और वो पेंटिंग, वो सिक्का और वो डायमंड लेकर आ गए तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। और ऐसे ही बनते हो आप एक प्लेयर जो कि एक्चुअली में होता है क्रिमिनल, जो अपनी जान पर खेलकर ट्विंस वाले जेल के अंदर जाता है, जहां पर उसे मिलता है बॉब जो कि है
मोटू और दिमाग से है एकदम पैदल और थोड़ा सा है टकला, थोड़ा सा तो नहीं पूरा ही टकला है। तेरा दांत टकले। और इसके पास है थोर का हथौड़ा जिससे वो देता है आपके मतलब प्लेयर के सिर पे पट्टे से हेडशॉट। और अगर आप इससे बच भी गए तो आपका सामना होगा बक से भैया जो कि शाणा है। और उसके पास है एक छड़ी जिससे वो देता है आपको 440 वोल्ट का झटका। और भैया ये बड़ा डेंजरस है, ये बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है प्लेयर को। और अगर आप उसकी पकड़ में आ गए तो टॉर्चर करने के बाद ये आपको बीटल को खिला देगा। लेकिन इन सबसे अगर आप बच जाते हो और गेस्ट मोड में गेम खेलते हो तो वहां पर आपको ग्रैनी और ग्रैंडपा भी मिलेंगे, साथ ही मिलेगा सिलेंड्रीना का एक मास्क। अब ये सिलेंड्रीना कौन है, ग्रैनी ग्रैंडपा से क्या रिलेशन है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना, वैसे मुझे मालूम है तुमने पहले से ही देख रखी होगी। तो सिलेंड्रीना का मास्क पहनने के बाद न ग्रैनी ग्रैंडपा आपको कुछ कहेंगे और न ही द ट्विंस, क्योंकि इन सबकी चहेती थी सिलेंड्रीना। और अगर आपका सामना अकेले में बॉब से होता है तो भैया बॉब को कॉफी पीना बड़ा पसंद है, उसकी कॉफी में चूहे मारने की दवाई मिला देना वो पी जाएगा और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। एनीवे अब तो आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, भैया ये द ट्विंस आए कहां से, इनका ग्रैनी और ग्रैंडपा से क्या रिलेशन था, ये लोग जेल में ही क्यों रहते थे, ये बीटल कहां से आया, पुलिस वाले कहां गए, और भैया चोरी का सामान आखिर जेल में रखा हुआ क्यों है। ये सब क्लियर होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सबसे बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले गुरुवार को सुबह 9 बजे। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो अगर आपको ग्रैनी की पूरी कहानी जाननी है तो आप यहाँ पर ये वीडियो दिख रहा है ना, इसको देख सकते हो। और अगर आपको देखनी है आइसक्रीम की हॉरर स्टोरी तो उसका वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा। दोनों को चेकआउट जरूर करना और कमेंट करके बताना कि दोनों वीडियो कैसे लगे।